एक बजने को है, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर संघ ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है। संघ ने साफ कर दिया है कि अगर आडवाणी नहीं मानते तो भी बैठक बुलाकर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है और इसके लिए सभी सदस्यों को दिल्ली में रहने के लिए कह दिया गया है। इसमें मोदी भी मौजूद रहेंगे, तो यानी कि लालकृष्ण आडवाणी को दरकिनार करके अब नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया जा सकता है। चूंकि संघ का दबाव लगातार बीजेपी के ऊपर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, राजनाथ सिंह लगातार आडवाणी को मनाने में लगे हुए हैं। कल भी 12:30 बजे के करीब वो आडवाणी के घर पर पहुंचे थे उन्हें मनाने के लिए, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी नाराज हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनावों के संपन्न हो जाने के बाद ही नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो, लेकिन इसके लिए संघ मानने को तैयार नहीं है मोदी पर। वहीं बीजेपी के अंदर भले ही घमासान मचा हो, लेकिन राजनाथ सिंह की अगर माने तो पार्टी के अंदर शांति ही शांति है और समय आने पर मोदी की पीएम उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सुनिए, मैं इसे क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं कि वहीं बीजेपी के अंदर भले ही घमासान मचा हो, लेकिन राजनाथ सिंह की अगर माने तो पार्टी के अंदर शांति ही शांति है और समय आने पर मोदी की पीएम उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सुनिए, मैं इसे क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में न कोई नाराज है, न किसी की कोई शर्त है, यह सब सारी बातें बेबुनियाद है। 17 तारीख से पहले घोषणा की संभावना बताई, जब भी होगी अथवा नहीं होगी तो उसकी जानकारी आपको निश्चित रूप से दी जाएगी। डैमेज कंट्रोल की कवायद के तहत बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान आया है। जाहिर तौर पर पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है, इस बारे में कम से कम वो मीडिया को जानकारी नहीं देंगे, इसी वजह से ये कहते हुए कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, सीधे रुख करेंगे। हमारे संवाददाता यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, ऑल इज वेल की बात करते हुए राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में पार्टी के भीतर ऐसा है क्या? देखिए, जहां तक ऑल इज वेल की बात राजनाथ सिंह कर रहे हैं, वो पार्टी में बिल्कुल नहीं है। अंतर विरोध पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी शुरू से लेकर अब तक अपनी जीत पर अड़े हुए हैं कि मोदी के नाम का अगर ऐलान करना है तो विधानसभा चुनाव के बाद हो सकता है और वह समय ठीक रहेगा। उनके साथ सुषमा स्वराज भी खड़ी होती दिखाई दे रही है, उनके साथ मुरली मनोहर जोशी भी खड़े होते दिखाई दे रहे हैं और शायद यही कारण है कि राजनाथ कल पहले जाकर करीब 12:30 बजे आडवाणी से मिले, उसके बाद रात को 9 बजे मुरली मनोहर जोशी से मिले। उन्होंने कल फोन पर सुषमा स्वराज से भी बात की और आज 3 बजे वो सुषमा स्वराज से मिलने भी जाएंगे। यानी कि जो 3 नेता विरोध में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उन तीनों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी तीनों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर आप पार्लियामेंट्री बोर्ड बुलाते हैं तो वो उसमें जाएंगे जरूर, लेकिन अपना विरोध दर्ज कराएंगे। यानी कि साफ जो एक परिपाटी शुरू से चली आ रही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो भी फैसला होता है वो सर्वसम्मति के साथ होता है, यहां पर वो परिपाटी टूटती हुई नजर आएगी और बीजेपी के लिए करारी कह सकते हैं बड़ी किरकिरी साबित होगी। जी, नरेंद्र मोदी की अभी शुरुआत ही होगी जब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का ऐलान होगा, लेकिन अपने ही घर के भीतर जब घमासान मचा हो तो फिर बाहरी लोगों से कैसे वो लड़ेंगे। यहां पर हम मोदी पर आडवाणी का हथयोग दिखा रहे हैं, किस तरह से किन किन लोगों ने जाकर मनाने की कोशिश की है लालकृष्ण आडवाणी को, लेकिन आडवाणी नहीं माने। सोमवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हुए थे, मंगलवार को नितिन गडकरी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बुधवार को कल दोपहर 12:30 बजे खुद राजनाथ सिंह पहुंचे, लेकिन आडवाणी नहीं माने। और इसी वजह से सवाल यतेंद्र, अब क्या ये माना जा सकता है कि कल लालकृष्ण आडवाणी की बातों को दरकिनार करते हुए, चूंकि संघ का दबाव इतना ज्यादा है, राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवारी का ऐलान कर सकते हैं? इस तरह से राजनाथ खेमे से खबर आ रही है कि कल वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी 11 बजे या 4 बजे, दो टाइम दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक टाइम पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाकर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये संघ की ताकत है, संघ पीछे खड़ा है पूरी तरह से राजनाथ सिंह के, जिसकी वजह से सुषमा स्वराज और आडवाणी के विरोध को दरकिनार करते हुए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई जा रही है। आडवाणी ने साफ कह दिया कि वो इस बैठक में विरोध दर्ज कराएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी राजनाथ अपनी जीत पर अड़े हुए हैं और कल जो खबर आ रही है कि उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए डिसीजन ले लिया कि कल वो बैठक होगी और नरेंद्र मोदी के नाम का औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा। राजनाथ सिंह के पास किस तरह के विकल्प है वो भी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। सवाल बड़ा ये उठता है कि किस विकल्पों के तहत राजनाथ आगे बढ़ेंगे ताकि नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी जाए। सर्वसम्मति से फिलहाल अभी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन यतेंद्र, इन सबके बीच बड़ा सवाल ये भी उठता है, अगर आडवाणी संसदीय दल की बैठक में अपना विरोध दर्ज कराते हैं और मुरली मनोहर जोशी सुषमा स्वराज उनका साथ देते हैं, ऐसे में राजनाथ सिंह के सामने विकल्प क्या बचेगा?
देखिए जहां तक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात है तो जो सदस्य वहां पर होंगे उसमें अगर आडवाणी और सुषमा स्वराज अपना विरोध दर्ज कराते हैं तो मत विभाजन के तौर का फैसला होगा, उसको राजनाथ सिंह उस फैसले का पालन करवाएंगे, क्योंकि जो मुरली मनोहर जोशी ने साफ कहा है कि वो विरोध जरूर करेंगे लेकिन जब बात संघ के या पार्टी के फैसले की आएगी तो उसका पालन करेंगे। यानी जोशी ने साफ कर दिया कि वो पार्टी के फैसले के साथ होंगे और जहां यहां बहुमत मोदी के समर्थन में मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि संघ का साफ निर्देश है कि मोदी के नाम का ऐलान जितनी जल्दी हो सकता है वो किया जाए। और शायद यही वजह है कि राजनाथ सिंह उस संघ के इशारे पर ही पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कल बुलाने जा रहे हैं और आडवाणी के जो विरोध होगा उसको दरकिनार करते हुए बहुमत के आधार पर इस तरह का फैसला लिया जाएगा। आडवाणी के विरोध को दरकिनार करने के बाद अगर ऐलान राजनाथ सिंह की ओर से कर दिया जाता है यतेंद्र, फिर लालकृष्ण आडवाणी आगे राह अपनी क्या अपनाएंगे? देखिए जहां तक लालकृष्ण आडवाणी की राह अपना गोवा कार्यकारिणी के बाद वो उस बैठक से अनुपस्थित रहे थे तो उन्होंने अपना विरोध जिस तरह से दर्ज कराया वो सबके सामने, जिसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत को सामने आना पड़ा था और अब संघ के भी मोहन भागवत भी उनसे मिले हैं, सुरेश सोनी उनसे मिले हैं, मदन दास देवी और भैयाजी जोशी ने उनसे कई बार मुलाकात की, लेकिन आडवाणी अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और जो जहां तक राह अपनाने की बात है तो वो अभी पत्ते खोले नहीं, उन्होंने इतना जरूर कहा है कि वो औपचारिक रूप से बैठक में जाएंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे और उसके बाद पार्टी को जो भी फैसला लेना है वो ले सकते हैं। यानी कि आडवाणी ने अपने पूरी तरह से नहीं खोले लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि वो विरोध औपचारिक रूप से बैठक में जरूर दर्ज कराएंगे और उनके सामने कई रास्ते खुले हुए जरेंगे। एक आशंका यह भी जता रही है कि जिस तरह से उन्होंने गोवा कार्यकारिणी में जो फैसला लिया था उस फैसले को क्या वो एक बार फिर से दोहराएंगे? बिल्कुल, हालांकि संघ और बीजेपी की ओर से इस बात का भरोसा दिया गया था कि लालकृष्ण आडवाणी की सहमति के बाद ही पीएम प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर कोई भी फैसला किया जाएगा, लेकिन यहां पर चूंकि हठयोग पर आमादा है आडवाणी, इसी वजह से उन्हें दरकिनार करके इस बारे में बड़ा ऐलान किया जा सकता है राजनाथ सिंह की ओर से। यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको दिखाते हैं सुशील मोदी ने अपने ट्वीट पर सफाई दी है। सुशील मोदी ने कहा है कि उन्होंने वही लिखा जो उनके मन में था। सुशील मोदी ने कहा कि उन्होंने आडवाणी को नसीहत नहीं दी है। सुशील मोदी ने मांग की है कि जिस तरह आडवाणी ने अटल जी के नाम की घोषणा की थी उसी तरह से वो नरेंद्र मोदी के नाम की भी घोषणा करें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता की नब्ज को समझने में और कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे समय में जिस तरह से आडवाणी जी ने अटल जी के नाम की घोषणा की थी उसी प्रकार और आडवाणी जी को आगे आकर और नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा करनी चाहिए। यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। यतेंद्र, सुशील मोदी ने साफ किया है कि नसीहत उन्होंने नहीं दी है, लेकिन उनके शब्दों पर गौर करें तो जिस तरह से अटल जी का नाम आगे बढ़ाया था आडवाणी जी ने उसी तरह से नरेंद्र मोदी का नाम भी बढ़ाएं और जनता की नब्ज को समझने की कोशिश करें। नसीहत नहीं तो और क्या है ये? देखिए बिल्कुल नसीहत ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का चयन उन्होंने किया है, जिस तरह की भाषा शैली है वो उनको नसीहत देते हुए दिखाई दे रही है। भले चाहे वो इसका खंडन करें कि उन्होंने नसीहत नहीं दी है, लेकिन अगर उनके बयान को देखें तो साफ तौर से नसीहत है कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन लालकृष्ण आडवाणी ने साथ खड़े होकर किया था उसी तरह से मोदी के नाम का भी ऐलान करें कि एक बड़प्पन का परिचय दें, इस प्रकार की नसीहत इनके शब्दों से पता चलती है जी। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी बड़प्पन का परिचय नहीं दे रहे हैं, जनता का मूड नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा भी है बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अगर कुछ लोगों को छोड़ दें तो सभी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो सके ताकि बिहार और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के ठीक पहले हम इस तरह का माहौल बना सके ताकि ध्रुवीकरण का जो फायदा है वो सीधे सीधे बीजेपी को मिले। लेकिन असल वजह क्या है यतेंद्र, अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाए सिर्फ विधानसभा चुनावों के बाद ऐलान हो मोदी के नाम का ताकि विधानसभा चुनावों में हम फायदा ले पाएं, आडवाणी ये चाहते हैं या पर्दे के पीछे का खेल दरअसल कुछ और ही है? देखिए विधानसभा चुनाव का तो एक मैटर है ही है जो उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है, लेकिन साथ ही साथ अपने कद को दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्हें नजरअंदाज करके गोवा कार्यकारिणी में फैसला लिया गया था वो फैसला इस बार न लिया जाए। आडवाणी को भी पता है कि ऐलान नरेंद्र मोदी के नाम का ही होना है, पार्टी इस पर सहमति दे चुकी है और खुद मोहन भागवत और संघ इस बात पर सहमति दे चुका है, लेकिन आडवाणी कहीं ना कहीं अपने कद को दिखाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं और जिस तरह से खबरें आ रही है कि आडवाणी अभी तक अड़े हुए हैं तो वो इस बात को संकेत देता है कि साफ साफ कि आडवाणी चाहते हैं कि उनके विरोध को देखते हुए पार्टी इस फैसले को टाले और कहीं ना कहीं एक सांकेतिक रूप से अपनी जीत को दिखाना।
चाह रहे हैं, लेकिन पार्टी उनके दबाव में अभी तक नहीं आई है, क्योंकि राजनाथ सिंह जो पार्टी के अध्यक्ष है वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले करना ठीक रहेगा, क्योंकि पूरे देश का जो मूड है, जहां जहां मोदी के जनसभाएं हो रही है, जिस तरह से वहां पर जन समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए फैसला वो जल्दी लेने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, दबाव लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है संघ का बीजेपी के ऊपर। देखना यही होगा कि नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कब, कहां और किस रूप में किया जाता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया यतेंद्र आपका।